नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश वर्मा हूँ। मैं कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हूँ। कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट मतलब हार्ट की धड़कन के स्पेशलिस्ट, जो उसके अलग डॉक्टर होते हैं हार्ट के स्पेशलिस्ट। कई बार हार्ट में ऐसा देखा गया है कि धड़कन अनियमित हो जाती है या फिर धड़कन बहुत तेज हो जाती है, 180, 200, 220 पर मिनट। अगर आपकी धड़कन बैठे बैठे बिना किसी वजह के 150 से ऊपर चली जा रही है, फिर वो चीज PSVT नाम की बीमारी हो सकती है। PSVT नाम की बीमारी अक्सर कॉमनली बच्चों में हो सकती है या फिर बुजुर्ग लोगों में भी कभी कभी ये उत्पन्न हो सकती है। इसमें हार्ट में नॉर्मली बिजली ले जाने के लिए ऊपर वाले चेंबर से नीचे वाले चेंबर को बिजली देने के लिए एक कनेक्शन होता है, बट कभी कभी एक से ज्यादा कनेक्शन हो जाते हैं। जब एक से ज्यादा कनेक्शन हो जाते हैं, उस समय नॉर्मल कनेक्शन और एक्स्ट्रा कनेक्शन के बीच में शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं, और जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट्स होते हैं, धड़कन बहुत तेज हो जाती है, 150 के ऊपर, 180, 200, 220 कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको हम खत्म करें, तो हमें उसका EPS नाम का एक टेस्ट करना पड़ता है, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी, मतलब हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच। एक बार हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच कर लेते हैं, तो हमें पता लग जाता है ये कौन से प्रकार का PSVT है, कौन से प्रकार का एक्स्ट्रा कनेक्शन है। जिस भी प्रकार का होता है, उसके हिसाब से उस जगह की सिकाई करके उसका परमानेंट इलाज कर दिया जाता है। सिकाई को हम RFA कहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन। इसमें जो जगह, जो एक्स्ट्रा कनेक्शन ऊपर से नीचे के लिए बना हुआ है, उस जगह को हम सेक देते हैं। ऐसा करने से वो कनेक्शन परमानेंटली खत्म हो जाता है, पूरी जिंदगी के लिए खत्म हो जाता है। EPS RFA नाम का प्रोसीजर 98 से 99% केसेस में एक ही बार करने से पूरी जिंदगी के लिए यह बीमारी खत्म हो जाती है, और कोई दवा नहीं लेनी पड़ती, सारी दवाएं बंद हो जाती हैं इस बीमारी के लिए। तो ये काफी सेफ भी है, इसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर कोई रिस्क होता है। तो अगर आपकी धड़कन की तकलीफ है, तो फिर आप कॉन्टेक्ट करें, और जो भी आपकी समस्या है, उसका सोल्यूशन हो सकता है।